शिवाजी शिवाजी पराठे में क्या खिला दिया? अरे परांठे थे क्या थे, ऐसा लाग रहे लस्सी में दारू मिला के बढ़ा दियो। मैं क्या जी, ट्रेन मुंबई पहुंच गई जी। कौन सा स्टेशन है भाई? ये हमारा सर क्यों घूम रहा? अरे वो झोली वाली लड़की कहाँ गई? कहाँ गई रे? हाय रब्बा, मुझे तो लग रहा है उसकी पिन्नी खाने से ये सब कुछ हुआ है। अरे दीदी जरा अपना सामान चेक कर। अपना सामान चेक करो सब। हाँ, लोग देखो देखो कुछ सामान देखो भाई, कि सारा कि चौपट ना कर गई हो। सारा सामान तो यही है। सामान तो है, उस कुड़ी को तो उठा कब से सोई हुई है। जा। हेलो ओ कुड़िए उठ जा। मुझे लगे छोरी ने ज्यादा मिठाई खा ली लगे। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है। वो हिला के देख इसको। सुन उठ जा। जहर ने अंदर सब कुछ काट दिया, इसलिए ऐसा खून निकला है। मुझे लगता है जो मिठाई इस लड़की को खिलाई गई थी वो स्पेशल थी। ये लड़की दिल्ली से बैठी थी यहाँ पे? नहीं वो बाद में आई थी और उसने हमारे साथ बैठ के पराठे भी खाए थे, और जहाँ तक मुझे याद है कि उस लड़की ने उसे जबरदस्ती मिठाई खिला दी। सर बेचारी बहुत शरीफ लड़की थी, किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। पता नहीं वो लड़की उसे क्यों मारकर चली गई। फिर? उसने बैग ला के यहाँ पे रखा था और रखते उसका सारा सामान गिर गया था सर। खसमन खानी कहेगी। अरे वो तो कह रही थी मैं दूसरे डिब्बे में बैठी थी, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के फिर हमारे डिब्बे पे आ गई। यही करने आई थी शायद। कहाँ गिरा था उसका बैग? आइए सर मैं दिखाती हूँ आपको। सर ये यहाँ पे गिरा था उसका बैग। यहाँ पर? हाँ जी सर। नहीं सर ये मेरा नहीं है, ये लगता है उसी लड़की का है, शक्ल से वो पढ़ी लिखी लग रही थी। हो सकता है दिल्ली में इन सब का ही काम करती हो। सर जिस लड़की ने इन सबको मिठाई खिलाई कल रात 3 बजे रतलाम स्टेशन पे उतर गई, वहां के लगे कैमरे में पकड़ी गई। ये है वो लड़की? लजपत नगर पर निशान बना हुआ दिल्ली का मैप लेके घूम क्यों रहा था? और फिर वो मैप जला भी दिया। जला दिया मतलब घोटाला है? एकदम गड़बड़ घोटाला है यार। जगह वही है ना? एकदम वही है दया। दया तुम निकलो मैं देखता हूँ इसको। क्या भाई? आपके काम की चीज नहीं है ये। अबे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, अपनी वो तू कितने की है बता। अरे साहब बहुत महंगा है ये, 1500 का है ये। 1500? अबे कांच की चूड़ी बेच रहा है कि सोने की है ये? अरे साहब बोला ना आपके काम की चीज नहीं है, क्यों टाइम खोटी करता है मेरा? कमाल है, लूट रहा है पब्लिक को। ये क्या? अरे साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अबे है क्या ये? अरे साहब बिक चुका है ये सब, कुछ नहीं है। अबे दिखा तो सही, खरीद रहा हूँ, कस्टमर हूँ मैं। साहब ये सब बिक चुका है, पहले ही बिक चुका है। क्यों टाइम साहब हाथ मत लगाओ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना बिक चुका है, क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? साहब जब कोई चीज बिक चुका है तो फिर से क्यों बेच रहे हो? रखा है तो बेचने के लिए रखा है ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? कोई शरीफ आदमी कोई सवाल पूछे ना तो बता देना चाहिए, शराफत से बता देना चाहिए। ड्रग्स है डब्बे में, ड्रग्स का चक्कर है। तुम भी ड्रग्स लेते? मरना है क्या? हम तो सिर्फ बांटते हैं, लोग आते हैं डब्बा लेके चले जाते हैं। लोग बांट जाए तो चलेगा, उसकी फिक्र नहीं तुम। मरे तो मरे साहब,
हम थोड़ी ना जाते उनके घर बुलाने के लिए। तुम घर में नहीं जा रहे बुलाने के लिए? साहब हमने खून वून कुछ नहीं किया है साहब। नहीं साहब, हमारा काम तो बस डब्बे बेचना है साहब। कहाँ से आती है इसमें ड्रग, कौन देता है? सब सब रंगा और बलबीर। रंगा और बलबीर कहाँ मिलेंगे ये लोग? जगह कुछ अजीब लगती है। यहाँ से उन लोगों को ले जाने के लिए देंगे नहीं इतनी आसानी से। लग तो ऐसा ही रहा है। एक से एक टेढ़े लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये देखो 36। ओए क्या देख रहा है? औरत देखी ना क्या पहले कभी? सुन लिया। अरे वो बलबीर है क्या यहाँ पे? कौन बलबीर? वही बलबीर। अरे मैं पूछूं कौन बलबीर? कोई नाम भी है क्या आगे पीछे बलबीर का? 50 बलबीर हैं जी इस कॉलोनी में। आपको कौन से चाहिए? वो बलबीर जो ड्रग्स बेचता है, कुछ याद आया? आया, याद आया। ओए, ऊपर निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ए, कहाँ है बलबीर? कोई बलबीर नहीं है यहाँ पे, जाओ आप। लड़का का नाम सुना है? सर फोड़ दूंगी आपका। आ? जो अंदर आए ना तो सर फोड़ दूंगी। निकलो यहाँ से। कह रही हूँ चलो निकल जाओ यहाँ से। एक हाथ पड़ेगा सीआईडी का ना डंडा वंडा बोल जाएगा। चल इधर, चल चल। अरे आओ जी आओ, देखो घर में घुस के इज्जत लूट रहे हैं। छपा जाओ। अरे मेरे बलबीर को ले जा रहे, इधर जा रहे। अरे आओ सीआईडी वाले आए हैं, सीआईडी वाले। अरे इनको निकालो, मेरे बलबीर को ले जा रहे हैं सारे के सारे। आओ सब। रंगा बलबीर कहाँ है? सब मैंने जानता जी किसी बलबीर जी को। सब बलबीर कहाँ है? बलबीर कहाँ है? कौन भाग रहा? अगर तुम हमें लेकर गए ना तो तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। चल, अगर हमें कुछ हो गया ना तो उससे पहले हम तुम दोनों की लाश बिछा के जाएंगे। हम चलो हटो, पीछे हटो, चलो। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोग को। Oh,
मार दूंगा। चल मिशन, चल मिशन, कोई आगे नहीं आएगा। चल, चल, चल। अभिजीत, तुम ठीक हो? चलो, चलो, मिशन, कोई हाथ उठाएगा। चलो। खून निकाला तुम लोगों ने, अब देख कैसे निकलता खून। साहब बच के आ गए तो यही बहुत बड़ी बात है। अरे सीआईडी साहब, किस्मत चमक रही है तारी। अपनी किस्मत की फिक्र कर, तू अब समझा? सोनाली के बॉयफ्रेंड को मारा। अचानक हंस क्यों रहा है तू? रख ले रखी है क्या? सोनाली के बॉयफ्रेंड का खून हो गया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती वो सब कुछ? क्या नहीं बता देती? हाँ? यही कि वो खुद भी मिली हुई है और ड्रग्स बांट रही है। ड्रग्स बांट रही है सोनाली? अरे साहब, ड्रग्स बांट भी ना रही है, बेच भी रही है। उसी ने मरवाया अपने बॉयफ्रेंड को। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जी बकवास कर रहे हैं तो खुद जाके देख लो, जमुना विहार मेट्रो स्टेशन पर बैग भर भर के ड्रग्स बांट रही है वो। उस लड़की के पास में जाके खड़े हो जाओ। कमाल हो गया यार तेरा। इस लड़की की बहन की मौत हो गई है और ये ड्रग्स बेचने में लगी है। कोई भी एक बार इस चक्कर में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बहन को मारा है उनके साथ लगी हुई है। वो आ रही है। सफेद मुर्गी। सफेद मुर्गी? हाय। मुर्गी ने कुछ चूचू की है सर। ये दूसरे मुर्गे ने भी कुछ बोला क्या? पैसे लाई हो? हाँ सारा। ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर वो लड़की आ गई है जिसने खून किया था। काफी दिनों से ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा भाई ये भी आ गई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम बिना बताए ऐसे ही भाग जाओगे? याद रखना
पैसों के लिए मैंने बहुत लोगों का खून किया है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो वो देंगे तुम्हारे पैसे। दाढ़ी वाला मुर्गा भी आया जाए। जाने मत देना, जाने मत देना, हम लोग आ रहे हैं। Come. Okay. लगा के कहाँ घूम रहे हो? अरे तो क्या हो गया इसमें? फैशन है तो फैशन। ये कौन है? ये दिखते नहीं क्या? अंग्रेज है। ये फॉरेनर को हाथ लगाए ना तो सीधे सीधे जेल जाओगे तुम लोग, देख लेना। हाँ अच्छा। हाँ जेल भिजवाने से पहले हमें पता तो चले इस दाढ़ी मूंछ के पीछे असलियत भी है कौन। सुना देखा जाएगी तो कर रहा है ये सब है? और दूसरी बेटी को धंधे पे लगा दिया, ड्रग्स बिकवा रहा है उससे। बहन के मरने का भी अफसोस नहीं था। सर, मेरी जैसी बदनसीब कोई नहीं होगी। पाप है जिसने अपनी बेटी का ही खून करवा दिया। और माँ, वो रो रो के पागल हो गई है। ये सब बस उन्हीं के लिए करना पड़ रहा है मुझे। साहब साहब, ये मेरी मेरी सौतेली बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां नहीं है। साहब कैसा जल्लाद आदमी है, इंसानियत है कि नहीं? बेटी बेटी होती है। मुझे लगता है इसने खून करवाया अपनी बेटी का। तूने मरवाया है? साहब बोल। साहब मेरी बेटियों को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स के धंधे में हूँ। और साहब वो पुलिस में जाना चाहती थी, बस अब मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। एक बेटी को मरवा दिया, दूसरी बेचारी डर गई। बस अब और नहीं करना पड़ेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने आंसू पोंछो और एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के अंदर की ताकत को पहचानो। आज के बाद कभी किसी का जुल्म मत सहना, कभी नहीं, समझ गए? और तू खून किए है ना, तूने खून किए है ना, अब देख तू। मुझे छोड़ दो प्लीज। I have information, I will tell you. Information? कैसी information? अगर मैं एक मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका? एक बड़े आर्मी का। तुम्हें कैसे मालूम है? मेरा फ्रेंड है, उसने बताया। कौन फ्रेंड? वो भी मेरे जैसे बाहर से आई है और ड्रग्स में फंसी है। वो अभी भी वहीं पर है? उसने एक रिक्शा वाला से शादी किया। रिक्शा वाले से शादी? प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज। आगरा जाना पड़ेगा, किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है। चुप
चलिए देर हो गई सर। अभी अभी हुआ है, कुछ आस पास ही कहीं होगा, इसे हॉस्पिटल ले चलना होगा। उठाओ इसे। ए, माया! ले जा। गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ। सर इसकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग टाइम से पहुंच गए, इसलिए बच के आइए। आप लोग टाइम पे आ गए, चलो धन्यवाद दो इनको। वैसे सीआईडी बोलो पुलिस बोलो, कभी टाइम से तो पहुंचते नहीं। मगर इस बार पहुंच गए, वरना अब तक तो ये ऊपर वाले के दरबार में चेस खेल रहा होता। मेरी बीबी बहुत अच्छा चेस खेलती है। अच्छा एसीपी साहब, अब जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, प्लीज बी डिफाइन। थैंक यू। अब बताओ, तुमसे एक आदमी मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था क्या? सर उस दिन जब हम हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में गए, वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में, कोई मेरा खून करना चाहता है। सर तुम आगरा फोर्ट क्यों चले गए? उसी आदमी ने मुझे वहां बुलाया था, वो मुझे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास आने की कोशिश की, ये लड़की न जाने कहां से आ गई, उसने मुझे धक्का मारा और मुझ पे कुछ फेंक दिया। सर, हाँ, तेरी आदमी हाथ लगाए सर, ये वही आदमी है जिसने गौरव को कहा कि तू मरने वाला है। अच्छा क्यों भाई, किसी की मौत की खबर लेकर क्यों घूम रहे हो? सर वो जो आदमी मर गया है ना, रवि। जी सर। उसका क्या? वो मेरा दोस्त था सर, उसने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो एनवेलप लेकर गौरव को दे देना। कहाँ है वो एनवेलप? ये तो ताजमहल का फोटो है, पीछे के साइड से निकाला है, यमुना के पार। ये कैसा निशान है? फोटो कहां से खींचा होगा? चलो देखते हैं। आदे। याद है सर, यहीं से, इसी जगह से खींची गई है फोटो, ये देखिए। करेक्ट, ये जो छोटा वाला गुंबद है, ताज के पीछे आधा दिख रहा है, और मीनार ने मेहमान खाने के दरवाजे को बिल्कुल वैसे ही कवर कर रखा है जैसे इस फोटो में दिख रहा है। मार्क क्या है? नहीं सर, हाँ और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और आगे? ये ठीक है? हाँ सर, सर वही जगह है। जो कुछ भी है ना यहीं पे छुपा है, यहीं पे गाड़ के रखा है, वो भी काफी दिन पहले। ये देखो घास काफी उग चुकी है ना? सर खोद कर देखते हैं इसे। यहाँ पे इतना सख्त पहरा रहता है, फिर भी किसी को यहाँ पर कोई चीज गाड़ने का मौका कैसे मिला? सर हो सकता है पुलिस का पहरा लगने से पहले ही काम कर दिया हो किसी ने। हाँ पर हिम्मत तो देखो। सर विजिटिंग कार्ड।
एकदम निशान सही लगा हुआ था। किसी मनीष कुमार का कार्ड है, खून लगा हुआ है कार्ड पर। पता नहीं मनीष कुमार जिंदा है कि गया। पूर्वी एक काम करो, दिल्ली का एड्रेस है, फोन करके देखो ये आदमी अभी भी है क्या वहां पर। और खोदो सर। हाँ खोदना तो बनता है। सर मैं खोदता हूँ। और करो साफ करो। आदमी की हड्डी सर, ये तो मरता है। मनीष कुमार? हाँ हो सकता है। शायद रवि गौरव को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तेरा भी यही हाल होने वाला है। हाँ पर अभिजीत इससे गौरव का क्या मतलब है? मतलब है सर, सर ये मनीष कुमार आगरा आया था हनीमून पे, अचानक गायब हो गया। इसकी वाइफ पायल को पकड़ा था सर, पर छोड़ दिया। ये देखे सर, मनीष कुमार और उसकी वाइफ पायल की फोटो, ये रही। ये पायल है? तो क्या पायल ने अपना नाम बदल के निशा कर दिया था? अपने एक पति को मार के यहाँ पे गाड़ दिया और दूसरे पति को मारने की तैयारी चल रही है। सर ये पायल सॉरी निशा, ये अपने नए हस्बैंड गौरव के साथ होटल में है, कहीं उसको टपका ना दिया। निशा, गौरव, निशा। सर वो हस्बैंड वाइफ तो ऊपर गए हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे? ओके सर। ठीक है। सर, निशा और गौरव दोनों कमरे में नहीं है, दोनों के दोनों ऊपर गए हैं सर, टेरेस पे सर। निशा, निशा, तुम आ गए? या आराम से। सर इसकी उंगलियां चली गई है, जहर अभी भी होगा इसके हाथ में। जहर? किसने लगाया होगा जहर? किसने दिया धोखा? मामा, मामा, मामा। अरे ये क्या चक्कर है? तुमने ही तो माया को बोला था गौरव का फोन करने के लिए, माया ने तुम्हें क्यों मारा? निशा निशा, निशा, सही तो गई। Damn it! हाँ ये तो गई, मगर माया अभी भी है ना, वो तो गौरव को पी जाएगी। सर ये माया ट्रेंड है, उसे मालूम है किस किस तरीके से मारते हैं। संभल के। Oh my God! ये देखो। इसकी उंगलियां भी जली हुई है, लगता है इसने भी जहर कुछ हुआ है। लगता है? इन दोनों ने एक दूसरे पर जहर फेंका है। निशा ने नहीं मारा। निशा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उसने मुझे खरीद लिया, निशा ने मुझे कितने पैसे दिए, उससे डबल डबल पैसे दिए। उसने कहा निशा को मार दो। कहाँ है वो? पूर्वी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे बचा लिया। मेरी बीवी इतनी बेहतर निकली, वो मुझे मारना चाहती थी। उसने माया को मेरे पीछे भेजा, लेकिन मैंने माया का जहर उसी पर फेंक दिया। झूठ, झूठ, झूठ बोल रहा है ये। माया तुम जिंदा है ये, और इसने हमें सब कुछ बता दिया। अगर मैं नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगी। जैसे मुझे पता लगा कि मैं निशा का तीसरा पति हूं और बाकी दो को वो आगरा में टपका चुकी है, मैंने फैसला किया कि मैं उसे मरवा दूंगा। और ये रवि का क्या चक्कर है? निशा ने पहले रवि को फंसाया, उससे कहा
कि वो अगर उसके हस्बैंड को मार देगा तो निशा उससे शादी कर लेगी। रवि ने अपना काम किया लेकिन निशा ने रवि को धोखा दे दिया। इस बार निशा ने रिक्शा वाले को बोला लेकिन लेकिन उसे पता नहीं था कि रिक्शा वाले ने मुझे मारने के लिए रवि को पैसे दिए हैं। रवि गुस्से में पागल हो गया और उसने मुझे आकर सब कुछ सच सच बता दिया। तुम दोनों को तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम दोनों को। ले जाओ इन्हें। चल। सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था। सर इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। वो गुंडे हाथ से निकल नहीं पाए। सर पहले उन बूढ़े मां बाप को ढूंढ लेते हैं। अब तो उन गुंडों का क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ के रखा है। चल छोड़ देंगे। साइन कर। भगवान। ले। उधर घर जैसे। चलो देखते हैं। अब तो छूटने मैंने साइन कर लिए। बात आप तो सब कुछ दे दिया तो मैं साइन भी कर दी। खबर तैयार है। किसकी खबर? अरे तुम दोनों की खबर। आप तो सारे पैसे भी दे दिए। हाँ पैसे तो दिए, खेल खत्म। अब बचे क्या तुम लोगों के पास? नहीं, और भी है। और भी है। अरे जब मौत सामने आई तो पैसा बाहर निकलने लगा। अरे सुन मुझे, तेरे जवाई को तो मार दिया हमने। मार दिया। अब तू भी जा। मत मारो। अब तुम्हारे पैर पड़ते हैं, मत मारो प्लीज। पहले मर फिर पैर पड़ना। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। अरे उठिए, घबराइए मत। मैं CID से हूँ, ACP प्रद्युमन। बेटी सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और आपका पोता भी ठीक ठाक है और हमारे साथ है। 50 करोड़ रुपए हैं? अकेले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, उसके बाद इन दोनों को ही मार देगा तू। क्या कह रहा है इधर?
नकली डैड कौन है? ऋषि ऋषि ओ ऋषि मस्तीन का सांप अजय को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि अजय ही था जिसने अपनी वाइफ को किडनैप किया था और बच्चे को छोड़ गया मेरे पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, सास ससुर का सारा पैसा अकेला तू खा जाएगा। बस प्लान बन गया मेरा, चुपके से अजय को मरवा दिया, बुड्ढे सारी प्रॉपर्टी संस्था के नाम करवा ली। किसी को भी नहीं पता है कि उसका मालिक मैं हूं। प्रॉपर्टी मिली मेरी संस्था को और गालियां मिली अजय को। पता नहीं तुम लोग कहां से आ गए बीच में। चलो हम सब ये पैसा आपस में बांट लेते। क्यों नहीं, अच्छा आइडिया है। बिल्कुल है ना। चल मेरा हिस्सा तू ही रख ले। मेरा मेम साहब कहाँ है? मेम साहब तो घर पर नहीं है साहब। घर पर नहीं है? वो तो मैं 3 बजे जब घर पर आई थी वो चली गई। ओ, कुछ जल्दी जल्दी में थी, कुछ परेशान लग रही थी साहब। हेलो। हेलो मीरा, कहाँ हो तुम? संजय मैं बीपी रोड में हूँ। बीपी रोड, वहाँ क्या कर रही हो? चल छोड़ दे, चल जा। साइड करा, साइड करा, साइड करा मैडम। हेलो हेलो मीरा, काय मैडम काय करता तुम्ही? लाइसेंस दाखवा लाइसेंस। मुझे प्लीज बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जाने दो। अरे काय क्या गलती हो गई? आप ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करता है, आपको मालूम नहीं है क्राइम है? चलो लाइसेंस दिखाओ, जल्दी 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 लाइसेंस। नहीं है? एक मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी। आपको फाइन भरना पड़ेगा। ओ मैडम। हाँ। बाहर निकलो चलो। अरे टिक्की खोलो जल्दी, टिक्की खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अब क्या हो गया? लाश, इसलिए आपको जल्दी थी? लाश कहां पर है? इस डिक्की में। डिक्की में? जी सर। सारे वार, लगता है किसी नोकीले धारदार हथियार से वार किया है। खून भी बहुत बह चुका है, पलटाओ जरा। सचिन, लगता है इसे मारा कहीं और है, यहां रखा गया डिक्की में।
सर तब तो विक्टिम की खूनी के साथ हाथापाई जरूर हुई होगी। हाँ हाथापाई तो हुई है, ये क्या, ये देखो हाथों पर, कलाई पर और पैरों पर भी रस्सी के निशान दिखते हैं, बांध के रखा था इसे कहीं। हाँ सर लेकिन आसपास कहीं कोई रस्सी या कपड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा। निखिल इशिता गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ अजय, अजय नाम है ना तुम्हारा जी, ये तुमने देखी लाश पहले? जी सर मैंने देखी। बहुत थैंक यू साहब, गुड वर्क। ये गाड़ी आपकी है ना, नाम क्या है आपका? मीरा। और ये मरने वाला आदमी कौन है? सर ये मेरे पति हैं, अंश। क्या वो लाश तुम्हारे पति की है? जी हाँ। कहाँ कहाँ ले जा रही थी? नहीं सर मैंने नहीं मारा इन्हें। तो फिर ये तुम्हारे पति की लाश तुम्हारी गाड़ी के टिक्की के अंदर कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम ये लाश यहाँ पे कैसे आ? कैसे पता नहीं, कहाँ लेके जा रही थी गाड़ी आप? अंश को ढूंढने के लिए निकली थी। वाह ढूंढने के लिए, क्यों ऐसी ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? आप फोन भी तो कर सकती थी ना, उसके दोस्तों से पूछ सकती थी, अंश कोई बच्चा तो नहीं था ना? हा? सर उसका फोन नहीं लग रहा था और ऑफिस से फोन आया कि अंश ऑफिस ही नहीं पहुंचा, इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ऑफिस से फोन आया था अंश के? कितने बजे फोन आया था? सर 3 बजे। 3 बजे और अब बजे है 5, तो 2 घंटे आप कहाँ कहाँ घूम रही थी पति को ढूंढने? सर मैं सब जगह रास्ते में उनको ढूंढ रही थी पर मुझे कहीं नहीं मिले, और फिर मैं कॉफी शॉप भी गई थी। कॉफी शॉप? कॉफी पीने? नहीं सर, अंश की अक्सर वहाँ मीटिंग्स होती हैं, मुझे लगा शायद वो वहाँ पर गए होंगे पर वो वहाँ पे भी नहीं थे। अच्छा फिर उसके बाद कॉफी शॉप के बाद कहाँ गई? सर मैं इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि संजय का फोन आ गया। संजय कौन है आप? मीरा के बचपन का दोस्त हूँ। मीरा जी के बचपन के दोस्त संजय जी, क्यों फोन किया था आपने? सर ये जानने के लिए ये कहाँ है। अच्छा और फिर कहाँ से फोन किया था? सर मैं इसके घर गया था इससे मिलने के लिए। सर मैं असल में इसके घर के पास ही रहता हूँ सर। फिर? सर मैं इससे बात कर ही रही थी कि पकड़ी गई। सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने पति का खून नहीं किया है। यकीन कीजिए, आपका यकीन करें हम, क्यों आप अपनी गाड़ी के डिक्की में अपने ही पति की लाश को लेकर घूम रही थी, शायद आप उसे ठिकाने लगाने जा रही थी और आप कह रहे कि हम आपका यकीन करें। सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। अच्छा अंश को आखिरी बार कब देखा था? सर वो सुबह अंश की एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और मीटिंग में जाने के लिए मैंने उनके लिए टैक्सी भी बुक करवाई थी। सर मुझे टैक्सी सर्विस से कंफर्मेशन भी आ गया था कि अंश ऑफिस पहुंच गए, आप चाहे तो ये देख सकते हैं मैसेज। हाँ वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मीरा जी, अंश के लिए तुमने एक टैक्सी बुक की जबकि तुम्हारे पास एक गाड़ी है और वो भी ऑफिस जाने के लिए, क्यों? सर वो मुझे आज गाड़ी चाहिए थी इसलिए उनकी टैक्सी बुक करा दी। किस काम के लिए? यही कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, मैंने आज गाड़ी अपने पास ही रख ली थी। अच्छा शॉपिंग कराने के लिए, मीरा जी बेहतर ये होगा जो कुछ भी है सच सच बता दीजिए, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, मैंने अपने पति का खून नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। तुम सच कह रही हो लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता ये जो कुछ भी हुआ है ना उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तब तक तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। नहीं सर। और सचिन इनके सारे डिटेल्स ले लो, जरूरत पड़े तो इन्हें भी बुला लेंगे। सर मैं उस दिन उसका पीछा करने जरूर निकली थी लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते वक्त मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंचर था। मैंने इमेज एट के मैकेनिक को बुलवाया और वॉचमैन को चाबी दे दी थी। हेलो, हाँ गैरेज से बोल रहे हैं? हाँ राजू भाई मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है,
मैं वॉचमैन के पास चाबी छोड़ के जा रही हूँ, आप प्लीज किसी को भेज देंगे और मेरी गाड़ी बनवा देंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। सर आप चाहे तो उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। सचिन, चेक करो गैरेज वाले से। सर, नंबर दीजिए। 1176-2354 हेलो। हेलो जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। सीआईडी से बोल रहे हैं जी? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मीरा ने आपसे गाड़ी ठीक करने को कहा था क्या? जी सर, फोन तो आया था, लेकिन कुछ देर के बाद किसी ने फोन करके मैकेनिक भेजने को मना कर दिया था। क्या? जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। गैराज वाले का कहना है कि मीरा ने फोन तो जरूर किया था, लेकिन उसके बाद किसी का फोन आया और उसने कहा कि मैकेनिक भेजने की कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया, लेकिन किसने? आपने ही मना किया होगा, और कौन कर सकता है? मैं क्यों मना करूंगी? लेकिन वॉचमैन ने तो कहा था कि मैकेनिक आया था और उसने गाड़ी भी ठीक की थी। ठीक है रविजीत, वॉचमैन से पता लगाते हैं कि है कौन ये मैकेनिक जिसने इनकी गाड़ी ठीक कर दी। दिव्या, मीरा जी के साथ यहीं खड़े रहो। नमस्ते, वॉचमैन, क्या नाम है आपका? माधव साहब। माधव, अच्छा माधव, ये बताओ ये मीरा मैडम ने अपनी गाड़ी की चाबी दी थी मैकेनिक को देने के लिए? जी साहब। और वो मैकेनिक आया था गाड़ी ले जाने के लिए? हाँ साहब, आया था ना साहब, मैंने उसको मैडम की गाड़ी चाबी दी। ये मैकेनिक दिखता कैसे था? वो मैकेनिक का ड्रेस पहना था और सर पे टोपी थी, और हाँ याद है साहब, उसने एक सोने की घड़ी पहनी थी, बहुत जबरदस्त घड़ी थी साहब। सोने की घड़ी? सर ये मैकेनिक है या गाड़ी का मालिक? अच्छा, ये मैकेनिक कितने बजे आया था यहाँ? 11:15 आया था साहब। 11:15, और कितनी देर तक था वो यहाँ? साहब उसने तो 5 मिनट में पंचर ठीक कर दी थी, उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके बाहर चला गया। पंचर बना के गाड़ी टेस्ट ड्राइव में लेकर गया? साहब वो कह रहा था टायर ठीक से लगी नहीं है, उसको टेस्ट करना था। और लौटा कब वो? 1:15 साहब। 1:15, 11:15 से 1:15 तक वो गाड़ी के टेस्ट ड्राइव कर रहा था, और अंश का खून भी हुआ था 12 से 3 बजे के बीच। सर ये कैसा मैकेनिक है जो सोने की घड़ी पहनता है और लंबी टेस्ट ड्राइव पे जाता है? एक ऐसा मैकेनिक जो मीरा के जाने के बाद आता है और उसके लौटने से पहले गाड़ी रख के चला जाता है। जो ये भी जानता है कि मीरा की गाड़ी पंचर है और वो घर पर नहीं है। इसका मतलब है वॉचमैन के अलावा कोई और भी जानता था इस पंचर के बारे में। चलो इस मीरा से पूछते हैं। मीरा जी, आपकी गाड़ी पंचर हुई थी, इसके बारे में और कौन कौन जानता है? वॉचमैन को मालूम था। पक्का? जी। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए, कल सुबह जब आप अंश का पीछा करने के लिए जब निकली थी तो आपने किसी से किस बात की थी या किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? सर जैसे मैं घर से निकली मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था, मैंने वॉचमैन को बुलाया और उसे गाड़ी की चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने, फिर से कही? मैंने वॉचमैन को चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई। जी। मतलब आपके पास कोई दूसरी गाड़ी भी? नहीं सर। तो फिर ये कौन सी गाड़ी में बैठ के गया? सर वो संजय मेरे बचपन का दोस्त है, वो यही बाजू में रहता है, उसने जैसे ही देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था उसने फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। अच्छा, आपका ये दोस्त संजय सोने की घड़ी पहनता है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आपके दोस्त संजय से मिलना होगा, कहाँ रहता है ये? सर वो 8th floor में 801 में रहता है। ओके, दिव्या तुम जरा, हम लोग संजय से मिल के आते हैं। ताला लगा? पूर्वी तुम लिफ्ट से नीचे आओ, हम लोग सीढ़ी से जाते हैं, चलो सीढ़ी से चलते हैं।
गाड़ियों के टायर पंचर करता है, हम मुजरिमों के हवाले करते हैं। सर, मैंने ही अंश का खून किया है। क्यों? क्यों किया तुमने अंश का खून? सर, मैं मीरा से बेइंतहा प्यार करता था, ये आज की बात नहीं, मैं मीरा से सालों से प्यार करता था, लेकिन इसने अंश से शादी कर ली और मुझे एक अच्छे दोस्त का स्टूपिड खिताब दे दिया। तो तुमने मार दिया इसके पति को? वाह रे वाह प्यार वाह। पूरे दिन इसे अंश ही नजर आता था, जैसे मैं कुछ हुई नहीं। पूरा पूरा दिन उसका पीछा करना, उसकी बातें करना, मैं तंग आ चुका था। आखिर मैं भी इंसान हूं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब एक ही झटके में खत्म कर दूं। उस दिन क्या हुआ मेरा? अरे संजय, ये देखो मेरी गाड़ी का पंचर हो गया। ओहो, मुझे इतनी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, अब पता नहीं कैसे जाऊं। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, ये लो। आशीष शॉ? हाँ, तुम ले जाओ मेरी गाड़ी। मेरा प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। मेरा के निकलते ही मैंने गैरेज में फोन किया ताकि वो मैकेनिक को ना भेजे। मैंने फटाफट मैकेनिक का भेष बदला, वॉचमैन से चाबी ली, मिनटों में गाड़ी का पंचर ठीक किया और गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकल गया। एक शॉर्टकट लेके मैं मीरा के आगे निकल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अंश को रास्ते में खड़े देख लिया। मैंने अंश को बताया कि पंचर की वजह से मैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला हूं। बस वहां से कुछ ही दूरी में मैंने अंश को क्लोरोफार्म सुंघाया, वो बेहोश हो गया और मैंने उसके हाथ पैर बांधे और उसे मार डाला। मार दिया मैंने उसको। और उसकी बॉडी को मीरा की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि मीरा फंस जाए। संजय, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे ना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बचपन का दोस्त, वाह। प्यार करते थे ना तुम मीरा पर, बेइंतहा प्यार। प्यार करने वाले एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करते हैं, कभी जान नहीं लेते। मगर तुमने क्या किया? मीरा के पति का ही खून कर दिया। ये कैसा प्यार? कानून ऐसे प्यार को कभी माफ नहीं करता। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.